गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहली बात कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या, किस ईयर में आया था, लाने वाला कौन था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले लाने वाला जो वो था, वायसराय था, उसको लॉर्ड डलहौजी कहते हैं। ठीक है, या उसका नाम लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, इसको लाया गया था, इसको लाने का रीज़न क्या था कि ब्रिटिशर ने कहा था कि जिन किंग के पास अपना खुद का हीयर या खुद का उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब अपना बच्चा नहीं है और वो दूसरी का गोद लेते हैं, तो वो बच्चा उनका खुद का बच्चा नहीं माना जाएगा और उस टेरिटरी को अपने टेरिटरी में मिला लिया जाएगा। तो इस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहले सतारा, फिर संभलपुर, फिर उदयपुर, फिर नागपुर और झांसी, इन 5 स्टेट को या को ब्रिटिशर ने अपने टेरिटरी में मिला लिया था। तो क्वेश्चन आता है कि किसने उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। कब लाया गया था सबसे पहले, तो 1848 में सतारा, 1849 में संभलपुर, उदयपुर 1850, ठीक है, नागपुर 1852 और झांसी 1853। ठीक है, तो इन 5 स्टेट को क्या अपने में मिला लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। ठीक है,